हम खानदान के साथ हैं, भारतों के साथ हैं। पतंतान छुन में कांच गम कांच खोप दिल से, मगर ये कोचू सुन दिल छुन बकां गया ये बिस्तर तो इस रिक्वेस्ट करम ये में तुम चाय वाले छ जो है मसलन मसाइल करियो हाल ये मन से तुम करियो जाति एडमिनिस्ट्रेशन से जो है फैसिलिटी नहीं है। इन घोड़े वालों बिचारों की वजह से दूध पत्री चल रही है, इन चाय वालों की वजह से ये दूध पत्री चल रही है। टूरिस्ट वालों को एंजॉय ये का क्रिटिकल इशू ये झूठ मामला हाल हो चैनल के वसात से ये कहना चाहूँगा और आला एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ आला एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि ये जो यहाँ के मसाइल हैं उनमें सारी फिरिस्त कुछ मसाइल हैं, उनमें से ये जो एक है, एक तो रोड के इशू है कुछ, और दूसरा इशू है जो पौनी वालों का इशू है, इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। इनके इसके खिलाफ हमने एहतजाज भी किया और बहुत सारी कॉर्नर्स पर भी गई है, हम आला एडमिनिस्ट्रेशन तक भी गए हैं कि इनके मसलों मसाइल हल करें। कुछ मसले इनके हल हो गए लेकिन और बहुत सारे मसाइल जो अभी इनके हैं वो पेंडिंग हैं। उनमें से हैं मतलब एक तो है टी स्टॉल वालों का इशू है, उनको वहाँ पे बैठे नहीं दिया जा रहा है। दूसरा है मोबाइल टावर का इशू है, मोबाइल टावर इंस्टॉल नहीं किया गया है दूधपत्री में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। तीसरा डिस्पेंसरी वहाँ पर है नहीं। चौथा है वहाँ पर पुलिस स्टेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। और भी एक इशू है वो पार्किंग का इशू है, घोड़े वालों के पौनी वालों के लिए कुछ उधर ये अड्डे का कोई इंतज़ाम नहीं है। कोठे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इशू है, ये मैं आपकी चैनल के वसात से सीसीएफ साहब से कहना चाहूँगा कि इनको कोठे हैं उधर पे जो बर्फ़ की वजह से दब गए डैमेज हो गए, उनकी रिनोवेशन करनी है। फॉरेस्ट वालों ने अभी उनका परमिशन नहीं दिया है उनको, तो मैं आपकी चैनल के वसात से उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनको परमिशन दिया जाए ताकि ये अपने कोठे फिर से ठीक कर सके। और घोड़े वालों को लाइसेंस इशू किया जाए, कुछ लोगों के पास हैं कुछ के पास नहीं है, आधों के पेंडिंग है, वो सब मसलों मसाइल इनके हल हो जाए। और जो टी स्टॉल वाले हैं, टी स्टॉल वालों का इशू है, उनको वहाँ पे बैठने नहीं दिया जा रहा है, कभी बोलते हैं यहाँ बैठो कभी बोलते हैं वहाँ बैठो, वहाँ यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे मुझे आप खुदारा ये बोलिए कि वो क्या खाएँगे यहाँ पर, वो क्या पियेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पे चाय वाले ही नहीं होंगे, जब यहाँ पे घोड़े वाले ही नहीं रहेंगे, जब यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं होगा, टूरिस्ट को यहाँ पे क्या करना है। इसलिए मैं आला एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत इसके बगैर भी बहुत सारे मसाइल हैं, ये दूधपत्री के ही नहीं, ये जो एरिया है यहाँ पे रियार अहरीजाल में जा रहा हूँ, एक एक एरिया में जा रहा हूँ, उनके देख रहा हूँ मसल मसाइल देख रहा हूँ, वो मेरे पास आ रहे हैं कहाँ पर क्या प्रॉब्लम, मैं भी आला एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पर मसले हल हो रहे हैं, कहीं पर अभी पेंडिंग है। अब मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पे मुश्किलात हैं, दुश्वारियाँ हैं, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इनको जल्द से जल्द हल किया जाए, वो आप जनाब की मेहरबानी। सर अगर मैं एक बात कहूँगा, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा, दो मतलब एक तो यहाँ पे है तूस मैदान है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, दूधपत्री को इग्नोर किया जा रहा है, यूसमर को इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब ये इसमें सियासत भी है कहीं पे, उसके बगैर भी कुछ मामलात होंगे, इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है उस तरह से, मामलात होंगे इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है उस तरह से, ये तो मुझे पता ही नहीं इसके पीछे क्या मसला है। हालांकि आप खुद देख रहे हैं कि जो ये जितनी यहाँ की ब्यूटी अच्छी है और टूरिस्ट प्लेसों से काफ़ी ज़्यादा कहीं या ज़्यादा यहाँ पे जो प्लेस है ये बहुत ब्यूटीफुल, वो तो आप टूरिस्ट से भी पूछ सकते हैं, टूरिस्टों ने भी आपको ये इस बारे में कहा होगा और कहा भी है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन तीनों जगहों को प्रमोट किया जाए, खासकर मैं कहूँगा दूधपत्री तोस मैदान मुझपत्री एरिया है, इसको प्रमोट किया जाए। सर ये मैंने बहुत बार ये दूधपत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इशू उठाया है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है प्रॉब्लम है वो टूल टैक्स बन रहा है इस टाइम। इनको मैंने बहुत बार बोला कि या तो आप एक जगह टूल टैक्स रखो, और इन्होंने काफ़ी हायर साइड टूल टैक्स रखा है। इस बारे में मैं इंशाल्लाह आगे तक भी जाऊँगा, आगे आला एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूँगा और आपकी चैनल के वसादत से भी आला एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर गौर खोज किया जाए ताकि ये गरीब आवाम से ये जुल्म हट जाए, इनसे ये जुल्म दूर। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड। विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर, कॉल ऑन 9622888333, 9469888333।